सर पहले तो आप बोलिए ना, उनसे आप पूछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं, कौन परसेंटेज दस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है, पुराने पेंशन पर ना सवाल है भाई। कर्मचारी, अच्छा ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है, या कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है, इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है, और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे। ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से हैं, नौकरी पेशा ही अब ये खत्म कर दिए हैं। तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं, अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए तो नौकरी पेशा वाले, अच्छा बैंकिंग की बहाली होती नहीं है, रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोजगार मिलना नहीं है, अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं। पुराना पेंशन कुछ और था, और अब अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है उसमें? प्राइवेट रोजगार में किसके यहाँ मिलेगा? आप उठा के देखिए ना, कॉरपोरेट गया है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ इलाज की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है। किसको? कुत्ता राहुल गांधी, मनोज तिवारी ने चाहती है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पर ही ना पड़ेगा। अब कोई काम ही नहीं है इन लोग के पास, हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीते हैं। आ ये लोग हर बातों में नेहरू, राहुल गांधी, तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे? क्या उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या? राहुल गांधी जी को किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना? इलाज उन लोगों की जरूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज, विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज, विशेष राज देने के लिए। एसटीएससी बिल पर जो आज ईबीसी ओबीसी पर जो हमला है, लेटरल एग्जामिनेशन को लेके सारे ओबीसी और ईबीसी के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करें। और एक तो पहले ही ओबीसी को क्रिमिलियर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया, अब एसटीएससी में क्रिमिलियर ला करके आप एसटीएससी को खत्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी, दलित, ईबीसी, ओबीसी के बच्चों और जीनियस बच्चों को की जिंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेके खत्म करना और अध्यादेश नहीं ला रहे, 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए? महबूबा मुफ्ती के साथ पहले ही लव मैरिज कर चुके थे। और आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर, कब महबूबा
अलगाववादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था, तो पहले ही बीजेपी ने शादी लव मैरिज करके फिर तलाक ले लिया। और नीतीश कुमार जी जो सबसे पहले ओबीसी, कांग्रेस के बाद, गहलोत के बाद जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने किया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सरकार चला रहे हैं, तो इलाज किसका होना चाहिए, बीजेपी का कि राहुल गांधी जी का? तो पहले अपना इलाज कराए ना भाई।